શેલવાસના ટાઉન હોલમાં અન્નપ્રાશન યોજના અંતર્ગત એક કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, જેમાં 6 માસની બાળકીઓના અન્નપ્રાશન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમજ સેલ ધી ગર્લ ચાઇલ્ડ પોલિસીની કીટનું વિતરણ કરવામાં આવ્યું હતું તથા કાર્યક્રમ બાદ ઉપસ્થિત મહાનુભાવોએ રાષ્ટ્રીય પોષણ માં અંતર્ગત તૈયાર કરાયેલ પોષણ રથને લીલી ઝંડી આપવામાં આવી હતી. एक कार्यक्रम अन्न प्राशन का हुआ है, क्योंकि ये माताओं को हमारी जानकारी दी गई है कि बच्चे को 6 महीने तक केवल माता दूध पिलाना चाहिए, लेकिन 6 महीने के बाद जब बच्चा बड़ा हो जाता है, उसकी रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, उस समय बहुत ज़रूरी है कि उसको ऊपर का खाना शुरू कर दिया जाए ताकि बच्चा स्वस्थ रहे. जो मेल न्यूट्रिशन की या समस्या है, कुपोषण की समस्या है, उससे भी लड़ा जा सके. तो आज माताओं को ये जानकारी दी कि 6 महीने का बच्चा जब होता है तो बहुत ज़रूरी है उसको ऊपर का खाना देना शुरू करना. दूसरा, हमारे यूपी एडमिनिस्ट्रेशन की सेव द गर्ल चाइल्ड स्कीम है, जिसके तहत बच्चियों को जो पैदा होती हैं तो हर बच्चे के नाम से एक LIC पॉलिसी ली जाती है, जो 42,000 रुपये प्रशासन अपनी तरफ से देता है इसमें. और जब बच्ची 18 साल की होती है उस समय उसको करीब 3.5 लाख रुपये इससे मिलते हैं. और ये स्कीम पहले केवल सरकारी अस्पताल में जो बेटियां पैदा होती थी उनके लिए थी, पर प्रशासन ने इस साल से जो भी बेटी जहां पे भी पैदा हो दादरा नगर हवेली में, उन बच्चियों को सबको ये स्कीम का लाभ मिलेगा, चाहे प्राइवेट अस्पताल. हमारा जो सेक्स रेशियो एट बर्थ है वो 921 पहुंच गया था, लेकिन पिछले 3-4 साल के जो इतनी मेहनत हुई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, हम फंक्शन भी ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ये स्कीम भी लॉन्च की है और दूसरी भी हमने जानकारी लोगों को पहुंचाई है, तो अब 941 हमारा सेक्स रेशियो एट बर्थ हो गया है, तो 20 पॉइंट बड़ा है, लेकिन इससे और ऊपर जाने की ज़रूरत है.